थैंक यू सो मच. इसके उससे पीओवी से बता रहा हूं मैं, इसको कैसा दिख रहा था, ये स्टेज, ये और म्यूजिक और कुछ नहीं ब्रो, वो इंसान नहीं था तेरे लिए यहाँ पे. Danish is one of the people who has observed the community before participating in it. Like now seeing you like this is like what? Like it's blowing my mind, you know. Well, 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 well. एक रागा के पास, एक EPR के पास. डीनो भैया कब करोगे कमाल यार? बस इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट वाला मेरे पास ही आने वाला है. ऐसा लग रहा है बैक टू बैक चार मेरे पास आएंगे. कभी मैंने मूवी बनाई ना, मैं चाहता हूँ उसकी स्क्रिप्ट आप लिखना. भाई भाई ब्रो, भाई 100% मैं बता रहा हूँ, वो भी कला है आप में, बस एक्सप्लोर नहीं कर रहे आप. बस मैं बता रहा हूँ, पन्ने भरो भाई आप. करने वाला हूँ. हाँ, ये थॉट्स ना जाया कर देते हो आप, इन्हें लिख लिया करो भाई. बस अगली बार देखो हसल की सीधा यशराज. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. बैठे बैठे सारे बात कर लेते ना, ये करना है वो करना है. EPR कह रहा है मैंने अकेला बंदा हूं मैं यहाँ जिसने चार सीजन करे हैं. That's what's up. अगले पे बढ़ते हैं फिर. Let's get it on. जोर लगा के फायदा क्या, हिलेगा तिनका नहीं. मैं कुछ भी नहीं अगर सुनेगी ये जनता नहीं. क्या फायदा कला का तुझे सुनकर कोई समझे नहीं. मजे नहीं है जिंदगी में अगर ढंग से परखे नहीं. इंसान डुबाता खुद को, इसमें कोई भी शक है नहीं. अपनों से होती अनबन और अपनों से करते झगड़े कई. मैंने ना जब ये हसल का ट्रैक बनाया था ना, उसमें एक लाइन है कि प्रतिदिन बहती इंक बदले फिर प्रतिबिंब, वो तेरे लिए ही थी लाइन. गुजराती रैप में आ गए हैं पहली बार, तो तालियां इसके लिए. कुछ लग रहा है अब सारे रैपर पैसा कमा पाएंगे. यस. भाई स्याही आज बही नहीं है, फैल गई है. स्याही डोल दी इसने भाई, स्याही डोल दी उसने. स्टेज पे स्याही स्याही हो गया भाई. ब्रिलियंट. People like you choosing to come here is a big motivation for people who listen to you also. मेरे को सबसे ज़्यादा motivate इस चीज़ ने किया था 2011 में जब मैंने शुरू किया था, तो Insignia Orkut rap battle. Let's go. What's up Insignia fam? Absolutely. तुम लोगों के craziness ने मेरे को motivate किया था कि जहाँ पे culture नहीं है, ग्राउंड अप से कल्चर आप लोग ने बनाया, जिसका एक 5 ईयर हिस्ट्री में मुझे देखने मिला. एंड आई गॉट मोटिवेटेड कि कश्मीर से कन्याकुमारी बैठ के एक दूसरे को रैप बैटल कर रहे हैं, शक्ल नहीं देखा आज तक एक दूसरे का. सिमिलरली हिम, आई हैव नोन द एंटायर पीपल फ्रॉम द अहमदाबाद हिप हॉप कम्युनिटी हु टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम पीपल हु गॉट अ एडवांटेज बिकॉज ऑफ बीइंग द टियर वन सिटीज लाइक बॉम्बे एंड दिल्ली. दीज आर दोज पीपल हु मेड द कल्चर इन देयर सिटी. सो यू आर बियॉन्ड द स्टेज फॉर मी ब्रो. यू आर लिविंग द एसेंस ऑफ हिप हॉप. तूने तेरे वीडियो में जो बाकी एलिमेंट्स को शाउट आउट दिया है, तूने उसी में मेरा दिल जीत लिया. बिकॉज रैपर्स सारे आके सिर्फ अपने बारे में ही यू नो हमेशा बढ़ाई करके चले जाते हैं. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. यू आर राइट डी. ये रैपर्स का जो वो होता है ना पर्सोना, इट शुड चेंज फ्रॉम मैं गरीब हूं टू मैं भूखा हूं. व्हाट अप व्हाट अप. 100% दैट विल जस्ट चेंज एवरीथिंग. मैं गरीब नहीं हूं, मैं भूखा हूं. कुड़िया मुच्छा नाड़े बोल दीवारी पे आई गो वॉश. ओए होए कुड़िया केन. ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए कुड़िया केन. ओए होए कुड़िया केन. ओए होए ओए होए ओए होए कभी-कभी ऐसा होता है गाने में कि आप खुद के गाने भी बनाते हो, सुबह अच्छे लगते शाम को अच्छे नहीं लगते. और मुझे लगता है वैसी परफॉर्मेंस के साथ भी होता है. कभी कभी आप बहुत कनेक्ट परफॉर्म करते हो, कभी कभी मॉर्निंग में आप पॉटी में बैठे रहते हो तो ऐसा लगता है वाओ आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड. कभी कभी आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो. कभी कभी जब आपको चीज़ें थोड़ी कम समझ में आती हैं तो आप दोस्तों से राय लेते हो, उन दोस्तों से जिनको चीज़ें समझती है. तो जब रागा ने बात बोली कि आप लोगों ने आपस में बहुत हसल किया हुआ है, तो वो सर्टिफिकेशन एक बहुत लेजिड आदमी से आ रहा है, तो मेरे लिए 50% का मामला सॉल्व हो गया था. आपके पास वो कॉन्फिडेंस है जिसको लाने के लिए लोगों को बहुत समय लगता है. पहले बार गाने में एवरीबॉडी सिंगिंग विथ यू, यू गॉट इट. एंड एक हुक को मासी बनाना इज अ वेरी वेरी टफ थिंग टू डू. मैं नहीं लिख सकता ऐसा.
not a go from my side. सबकी बायोग्राफी देख लो, सब लोग देख लो. Everybody was trying to quit once in their career or multiple times. और बहुत लोगों ने तो बहुत सारी चीजें की है बड़े बड़े लेवल पे. तो अब बिगर पिक्चर हमेशा देखना, लाइफ की बिगर पिक्चर, स्टेज की नहीं. जो नंबर वन होता है वो जरूरी नहीं है कि नंबर वन के शिखर पे बैठता है. जो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ होता है शायद वो बैठता है.